देखो सवाल इस प्रकार से है कि अपर लिमिट क्या है, 5/4, ये क्या हो गया 0, cos को पावर 4, ये एक्स डी एक्स हो गया ना, इसको हम मान लेते हैं आई बराबर 5/2, ये 0 और cos पावर 4 एक्स डी एक्स हो गया ना। अब देखिए ये जो cos पावर 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 5/2 यहाँ पर हो गया, ये 0 यहाँ पर हो गया, तो cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x बाय क्या हो गया 2 होल स्क्वायर हो गया ना, ई होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका डी एक्स। फिर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया ना, 1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर क्या होगा 2x होगा ना, प्लस क्या होता है 2ab, 2 गुना क्या हो गया 1 गुना क्या हो गया cos 2x, तो 2 cos 2x हो गया ना। अब ये डी एक्स हो गया ना, ये डी एक्स हो गया। अब देखिए ये जो पावर यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो 2 की पावर 2 भी होगा, 2 गुणा क्या होगा 4 होगा। चलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 4 से 1 में भाग देंगे तो 1 में क्या होगा 4 होगा ना, फिर 4 से हम किस में भाग देंगे, इसमें देंगे ना भाग, तो क्या होगा 1/4 हो गया ना, ये cos स्क्वायर 2x है तो cos स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया ना। अब ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया ना। अब देखिए 4 से इसमें भाग देंगे क्या हो देंगे देंगे तो ये क्या हो गया 2/ क्या होगा 4 होगा ना, तो ये 2/ क्या हो गया 4। उसके बाद देखो ये cos 2x है ना, ये क्या होगा cos 2x, ये क्या है dx है ना, तो ये आपका क्या हो गया dx हो गया ना। उसके बाद देखो 5/2 0, अब क्या करेंगे इसको इसमें गुना कर दो, इसको इधर से गुना कर दो, तो क्या होगा इस यह इसमें गुना होगा, देखो गुना हो गया ना, ये 1/4 हो गया ना, ये डी एक्स हो गया ना, ये देखो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका 1/4 हो गया, ये 5/2 0 हो गया ना, ये cos स्क्वायर 2x है ना, तो cos स्क्वायर क्या होगा 2x होगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पर डी एक्स भी ना होगा, यहाँ पर क्या कर दो डी एक्स प्लस। उसके बाद देखो ये 1/ क्या है 1/2 हो गया ना। उसके बाद देखो फिर ये गुना जो होगा 5/2, अपर लिमिट क्या 5/2, लोअर लिमिट 0, ये इंटीग्रल साइन के साथ गुणन हो जाएगा। उसके बाद देखो ये cos 2x आपका हो गया ना, इधर जो काट दिया ये क्या बचा आपको 1/2, ये cos 2x, ये क्या हो गया आपका dx। अब चलिए तो 1/4 क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आया, dx का क्या होता है x, ये अपर लिमिट 5/2 और लोअर लिमिट क्या हो गया 0, ये क्या हो गया प्लस, ये 1/4। अब देखिए यहाँ पर जो है कि cos स्क्वायर 2x का तो हम फॉर्मूला देखो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहले इसको हम तोड़ेंगे, तो cos स्क्वायर x का क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2, cos स्क्वायर x x का होता है जी, तो x में होता है तो क्या हो जाता है 2x हो जाता है, तो यहाँ पर 2x है तो क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद क्या होगा बाय 2 हो गया ना। उसके बाद देखो तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा dx होगा, यहाँ पर भी क्या होगा dx। अब देखो ये 1/2 है तो ये 1/2 यहाँ पर होगा ही। अब यहाँ पर देखिए cos है, cos का क्या होता है sin होता है ना, sin 2x में क्या हो गया x में क्या गुना है 2 गुना, 2 गुना है ना, तो क्या हो गया 2 गुना हो गया ना, ये 2 से भागा लग जाएगा, 2 से क्या होगा भागा लग जाएगा, ये 5/2 और 0 इस पर चढ़ जाएगा ना। चलिए ये इस प्रकार से हो गया। अब x के स्थान पर क्या करेंगे 5/2 रखेंगे, तो 5/2 रख दिए, अब फिर क्या होता है माइनस, ये जो लोअर लिमिट x के स्थान पर रख के घटाते हैं ना जी, तो घटा दिए ना, तो 5/2 और माइनस क्या होगा 0, ये प्लस आपका हो गया ना, ये आपका 1/4 हो गया ना। अब देखिए 2 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा 1/2 ना होगा जी। उसके बाद देखिए ये डी एक्स भी ना गुना होगा, तो डी एक्स का क्या हो गया x, इंटीग्रेशन हो गया ना। अब उसके बाद ये प्लस आपको हो गया, ये क्या हो गया प्लस। उसके बाद देखिए ये जो है इसमें 2 से भाग देंगे ना, तो क्या होगा 1/2 होगा ही ना, ये 1/2 हुआ। अब देखिए cos का क्या होता है साइन होता है ना, x में क्या गुना है 4 गुना है ना, तो 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये आपका 5/2 हो गया ना, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया ना। चलिए ये प्लस हो गया ना, ये क्या हो गया 1/2, और साइन का अब साइन इसका इंटीग्रेशन हो चुका है ना, इसको यही से उतार देंगे, ये 5/2 और क्या हो गया 0।
चलिए पाई बाई टू में से जीरो गया तो क्या बचेगा, पाई बाई टू ही ना बचेगा। अब देखिए वन बाय फोर गुना कर दिया, ये प्लस आपका हो गया, ये वन बाय फोर हो गया, ये वन बाय टू हो गया, ये एक्स है ना, एक्स की जगह क्या रखोगे पाई बाय टू, फिर उसमें से घटा के क्या रखोगे एक्स जीरो, ये हो गया ना, ये प्लस हो गया ना, उसके बाद ये आपका साइन हो गया ना, ये चार हो गया ना, ये एक्स है ना, एक्स का मान क्या रखोगे पाई बाय टू, क्या पाई बाय टू नहीं रख देंगे, फिर माइनस करोगे ना, एक्स के स्थान पर क्या रखोगे जीरो जीरो, तो ये साइन क्या हो जाएगा जीरो ना, साइन जीरो का मान क्या हो जाता है ऑलरेडी जीरो ही होता है, इसलिए इसमें भाग देगा तो जीरो हो गया ना। उसके बाद देखो इतना होने के बाद अब ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया, ये दो दूनी क्या हो गया चार हो गया, अब एक्स के देखो ये साइन हो गया ना आपका क्या हो गया, ये टू हो गया ना, ये एक्स है ना, एक्स का मान क्या है पाई बाय टू, पाई बाय टू, अब देखो माइनस हो गया ना माइनस, अब एक्स के स्थान पे क्या रखोगे जीरो, तो टोटली मान क्या हो जाएगा जीरो ना, तो दो दूनी अब देखो दो और दो कट गया ना, अब देखिए इसमें क्या होगा दो दूनी चार, ये मान देखिए पाई बाय क्या हो गया चार दूनी क्या होता है आठ होता है ना, ये क्या हो गया आठ हो गया, उसके बाद देखो ये प्लस आपका हो गया, ये क्या हो गया वन बाय फोर हो गया ना, उसके बाद देखो वन बाय टू, ये देखो पाई बाय टू में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाय टू ही ना, ये क्या हो गया पाई बाय फोर हो गया ना, दो दूनी नहीं हो गया चार, अब देखिए ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया ना, प्लस हो गया, उसके बाद ये वन बाय एट हो गया ना, उसके बाद देखो ये साइन टू पाए है, तो साइन टू पाए का मान क्या होता है जीरो होता है, तो क्या हो गया आपको जीरो हो गया। उसके बाद देखो ये जीरो तो है ही ना है जी, उसके बाद देखो ये प्लस आपका हो गया, ये वन बाय फोर हो गया, अब साइन पाए का मान क्या होता है जीरो, ये जीरो है ये है, उसके बाद देखो तो ये आपका क्या हो गया पाई बाय एट हो गया ना, ये आपका क्या हो गया प्लस, अब देखिए ये वन बाय फोर है ना जी, वन बाय फोर, ये पाई बाय फोर है ना, इसमें क्या गुना होगा पाई बाय फोर, ये देखिए जीरो में से जीरो गया तो क्या हो गया जीरो, जीरो में आठ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ आपको पाई बाय फोर ही ना बचेगा जी, तो ये वन बाय फोर हो ही गया, ये पाई बाय फोर हो ही गया, ये क्या है आपका प्लस है ना जी, नहीं है, आप देखिए ये भी मान आपको क्या हो जाएगा जीरो, उसके बाद देखिए पाई बाय क्या हो गया एट, उसके बाद पाई बाय क्या हो गया सिक्सटीन हो गया ना, चार चौके सोलह, अब एलसीएम कितना होगा एट और सिक्सटीन का सिक्सटीन एन होगा जी, अब देखो आठ दूनी सोलह, दो से इसमें गुना करेंगे परसेंट से तो टू पाई हो गया ना, ये पाई हो गया ना, ये थ्री पाई बाय क्या हो गया सिक्सटीन, ये इसका सही अंक। ये क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है पाई बाय फोर, अपर लिमिट क्या है पाई बाय फोर, लोअर लिमिट क्या है जीरो, वन प्लस है आपको साइन टू एक्स, ये है आपको कोस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे में क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, डी एक्स हो गया ये पाई बाय फोर, फास्टली बनाते चलो तो वन फॉर्म क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस स्क्वायर प्लस माइनस कोस स्क्वायर, देखो साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं कोस एक्स, अब देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इसको ऐसे ही रहने दो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हम उल्टा के लिख लेते हैं, प्लस में है तो तीन प्लस चार लिखो कि चार प्लस तीन लिखो, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये डी एक्स हो गया ये पाई बाय फोर जीरो, उसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान साइन एक्स बी का मान कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस का क्या होगा होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस क्या होगा कोस एक्स, ये क्या हो गया आपका डी एक्स, ई मान खत्म हो गया, ये पाई बाय फोर जीरो साइन एक्स प्लस क्या होगा कोस एक्स, ये डी एक्स हो गया ना, उसके बाद देखिए ये पाई बाय फोर जीरो हो गया ना, साइन का क्या होता है माइनस कोस एक्स, अब प्लस कोस का क्या हो गया कोस का माइनस साइन नहीं होता है, साइन का माइनस कोस होता है, साइन का माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन तो हम इनका निकाल चुके हैं,
ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दीजिए, तो साइन का क्या हो गया माइनस कोस, और कोस का क्या हो गया साइन, पाई बाय फोर जीरो हो गया ना। अब यहाँ पर रखिए कोस क्या होगा, पाई बाय फोर। आप देखिए e प्लस ऐसे प्लस दे दिए, दोनों फंक्शन पहले e मान तो रखो, समझ गया ना, ये क्या हो गया पाई बाय फोर और ये प्लस, यहाँ पर क्या रखेंगे पाई बाय फोर। अब यहाँ पर क्या होता है बोलो, माइनस ना होता है, नहीं होता है एफ बी माइनस एफ ए, तो बी और ये क्या हो जाता है ए, तो बोलो बी का मान तो रख चुके हैं, अब माइनस क्या होता है एफ ए, क्या होता है माइनस एफ ए, तो अब ए का मान क्या है जीरो ना, सब जगह जीरो रखोगे, ये जो है माइनस कोस क्या रखोगे जीरो। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस दोगे ना, ये साइन एक्स है तो साइन क्या करोगे जीरो, तो देखिए ये माइनस है ये ना है, कोस पाई बाय फोर का मान क्या होता है वन बाय रूट ओवर टू, ये आपका प्लस हो गया, और साइन पाई बाय फोर का मान क्या होता है वन बाय रूट ओवर टू, ये माइनस हो गया, ये और ये क्या हो गया खत्म हो गया ना, कैंसिल कर दीजिए, और कोस जीरो का मान कितना होता है वन होता है, ई माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, और साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो ही होता है। तो चलिए अब आपको क्या बचा ओनली वन, ये यही आंसर हो। देखो इसमें जो है इसमें आप लोग आसानी से मार्क प्राप्त कर सकते हो, तीन मार्क इसके ऑब्जेक्टिव से कैसे, तो ये कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा डी स्क्वायर वाई बट डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद ये आपको डी वाई वाई डी एक्स रे प्लस आपको क्या रे फोर वाई ही रे बराबर क्या रे जीरो। देखो क्या करोगे कि इसका जो है कि डिग्री जी और ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ऑर्डर जैसे इसका ऑर्डर क्या हो गया वन हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया टू। अच्छा क्लास टेंथ में एक चीज पढ़ा होगा, जैसे मान के चलो कोई इक्वेशन रहता है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स रहता है ना जी, कहेंगे डिग्री कितना होगा तो तीन, मैक्सिमम पावर लेते हैं ना, उसी प्रकार से ऑर्डर जो है होगा ना तो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, क्या होगा हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे मान के लो ऑर्डर इसका वन हो गया, ये क्या हो गया टू, तो हाईएस्ट इसमें क्या है टू है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया टू, समझ गया ना ऑर्डर क्या हो गया टू, कहेगा डिग्री क्या कहेगा डिग्री, ऑर्डर हम किससे निकाले हैं जिसमें पावर अधिक है उसका किससे निकाले हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री, इसमें पावर क्या है ये है ना, इस पर पावर क्या है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा वन हो गया ना, इसका डिग्री क्या हो गया वन, समझ गया ना। तो ये जो होता है इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, ऑर्डर निकालना हो तो समझ गया ना हाईएस्ट ऑर्डर होता है क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट इसमें दो हो गया तो दो हो गया, डिग्री डिग्री उसी से निकालेगा जिससे ऑर्डर निकलेगा उसी से आपका क्या निकलेगा डिग्री निकलेगा। कभी कभी क्या हो गया ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया, मान के चलो कि ऑर्डर इस प्रकार से सेम हो जाएगा, जैसे ये डी क्यू वाई ये डी एक्स क्यू है प्लस आपको क्या हो गया थ्री, ये डी वाई वाई डी एक्स का ये आपको होल स्क्वायर हो गया, और प्लस उसके बाद क्या होगा ये डी क्यू तो होगा ही वाई बट क्या हो गया ये डी एक्स क्यू हो गया ना, कौन सी इक्वेशन दिया इक्वेशन है ये इस प्रकार से होगा, होने के बाद जो है ये आपको फोर वाई बराबर क्या हो गया जीरो हो गया ना। आप बोलो एक चीज जो है ऐसे फोर ले लेते हैं, ले लिए ना, तो आप बोलो इसमें हम कहेंगे ऑर्डर, ऑर्डर तो कितना होगा इसका इसका जो है ऑर्डर तीन हो गया, डिग्री कितना होगा डिग्री चार,
डिग्री क्या हो जाएगा 7। अब देखो तो यहाँ तो हाईएस्ट ऑर्डर ये भी है जी, तीन और ये तीन समान है ना, तो इसमें देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो है हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर तब एकदम डिग्री उससे निकालेगा। और जहाँ पर मान के चलो कि ये सेम प्रकार का ऑर्डर वाला जी। समझ गया ना, डेरिवेटिव नहीं पकड़ाएगा तो वहाँ पर तो डायरेक्ट क्लियर रहता है। जैसे यहाँ पर जो है कि दो है ना जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, डी पावर दो है ना जी, डी पावर कहीं दो है ना, है यहाँ तो डायरेक्ट क्लियर हो गया ये ऑर्डर क्या हो गया दो, अब पावर क्या है एक है ना, तो इसका डिग्री क्या हो गया एक हो गया ना। और इसमें तो क्या है, जैसे मान के चलो ऑर्डर सेम है ना जी, डिग्री डिग्री अलग अलग, तो डिग्री क्या होगा, डिग्री जो इसका होगा तो डिग्री यही ना 4 होगा, यानी हाईएस्ट ऑर्डर का जो है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तब इसमें क्या देखना है हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट ऑर्डर 3 हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4, क्योंकि इस पर पावर जो है एक है जी, इसलिए आप किसको चूज करेंगे 4 को, समझ गया ना। उसके बाद देखो इस प्रकार से आप किसी का भी ऑर्डर और डिग्री निकाल सकता है, ये निकाल सकता है, इसमें आप लोग हमको बताना इसका डिग्री क्या होगा, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू प्लस 2 ये डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0 ना जी। तो अब देखिए यहाँ पर इसका कर है डिग्री, तो डिग्री बोलो क्या होगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री हो जाएगा इसका 1 होगा, डिग्री क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी। देखो डिग्री, तो डिग्री के हम क्या बोले हैं, जिससे आपको ऑर्डर प्राप्त होता है उससे डिग्री भी प्राप्त होता है, इसका हम ऑर्डर हम बोले तो क्या होगा 3 हो गया ना, क्योंकि हाईएस्ट जो है ना पावर यही ना जी, डी पर हाईएस्ट पावर डी पर क्या है 3 ना है, तो डी पर हाईएस्ट जो पावर होता है उसका क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर होता है, समझ गया ना, इसको हम 4 ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, समझ गया ना। हाँ इसको नहीं बोलेंगे नहीं, इस पर पावर ऑफ क्या है 1 है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 निकल गया ना, इसमें डिग्री मांग रहा है, ये डिग्री मांग रहा है क्या होगा 1 होगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही है इसका, फिर है आपको ये डी स्क्वायर वाई अगला क्वेश्चन बाय डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स होल क्यू प्लस वाई बराबर क्या हो गया 0, 0 हो गया ना जी, तो ये 0 तो हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर क्या हो गया 2, 2 हो गया ना, ऑर्डर 2 हो गया। अब इसका देखो डिग्री क्या होगा, अच्छा डिग्री क्या होगा बोलो 1 होगा। इस पर पावर क्या है एक न है, इसलिए इसके डिग्री क्या होगा 1 होगा। अब जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है ना। अब क्या करो ये इधर क्या है, ये 1 है, ये इधर जो है अंश में है ना जी, इधर आएगा तो किस में जाएगा, ये डी वाई बटे क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। क्या कर आप देखिए कोना कोनी जी सर, कोना ये इधर आके क्या होगा भाग हो जाएगा, ये इधर भाग में इधर क्या हो जाएगा, मतलब ये हर में ये अंश में है तो हर में आ जाएगा, हर वाले किस में चला जाएगा अंश में, तो डी एक्स बटे क्या होगा 1 प्लस एक्स होगा ना, और दोनों बगल इंटीग्रल साइन लगा दो
लगा दिए ना जी, बोलो डी वाई। ये आपको फॉर्मूला लिखा है, इसका ही फॉर्मूला बोलो, इसका क्या होता है डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स एक्स। अब देखो उसी प्रकार की फॉर्मूला है जी, एक्स है यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई है तो वाई, कंपेयर करो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा क्या होगा टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई होगा क्या होगा टेन इनवर्स वाई वाई। गुणक कार्य निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका डी वाई वाई डी एक्स डी एक्स माइनस वाई कोस एक्स हो गया ना। तो देखो फॉर्म होता है जैसे डी वाई वाई माइनस वन होगा यहाँ डी एक्स हो, ये प्लस क्या होता है पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसका होता है वो होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है, ये हो गया गया। पी का मान क्या है यहाँ पर बोलो तो माइनस वन, माइनस वन माइनस वन है, माइनस वन है कहाँ पे कहाँ पे गुना है कहाँ माइनस वन है ना। उसके बाद ये क्या होगा डी एक्स होगा ना, ई पावर क्या होगा माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स ई डी वाई डी एक्स है ना जी। देखो ई सम ई जो है डिफरेंशियल लिनियर इक्वेशन है, इस फॉर्म में यह है कि नहीं है क्यू के स्थान पर यहाँ पर क्या है कोस एक्स है, यहाँ पर वाई है ना वाई हो गया ना जी। तो पी के स्थान पर यहाँ पर क्या है माइनस वन है, तब प्लस वन कर दिया जी। तो आई एफ का फॉर्मूला होता है बराबर समझ गया ना ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है, ई टू दी पावर क्या होता है पी डी एक्स होता है। तो ये देखो ई तो ये ई हुआ है, पी का मान देखो क्या होगा माइनस वन, माइनस वन हो गया ना, ये डी एक्स हो गया ना नहीं हो गया, तो डी एक्स का क्या होगा एक्स होगा माइनस माइनस एक्स, इसको माइनस है ना माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्स यहाँ पर क्या है डी वाई वाई डी एक्स माइनस वाई, ये क्या है टू एक्स टू हो गया ना। चलिए इसका जो है हल निकालना है, इसका क्या करना है देखो दो मार्क में आ सकते हैं। तो देखो ये आपको कौन इक्वेशन हो गया पहले देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से होता है डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी ये जो डी वाई डी एक्स है इसमें कुछ भी गुना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर गुना क्या है एक्स, एक्स से भाग देना होगा फाइनली समझ गया ना, एक्स से क्या देना होगा भाग देना होगा। दीजिए ये क्या हो गया डी वाई वाई डी एक्स डी एक्स, ये माइनस तो होगा ही एक्स से दे रहे हैं तो यहाँ पर एक्स नहीं है तो वाई बटा क्या हो जाएगा एक्स, इसमें एक्स से भाग देगा तीन गो एक्स है तो क्या गो एक्स बचेगा दो गो एक्स बच गया ना। अब देखो इस फॉर्म को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, तो पी का मान यहाँ पर क्या हो गया माइनस वन बाय एक्स, पी का मान क्या हो गया और क्यू का मान क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर हो गया ना, क्यू का मान क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो तो इनका जो है समझ गया डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला इस प्रकार से होता है वाई क्रॉस आई एफ हो गया ना, ये क्यू आई एफ अब प्लस क्या होता है ये होता है पहले तो आप आई एफ ये समीकरण एक मान लो निकाल लो क्या आई एफ निकालो, तो फॉर्मूला ये होता है फॉर्मूला क्या होता है वाई क्रॉस आई एफ इज इक्वल टू ये क्यू अक्रॉस आई एफ डी एक्स प्लस क्या होता है ये। तो आई एफ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ई टू दी पावर क्या होता है पी पी डी एक्स होता है ना, ये तो रखेगा ही। अब देखो पी का मान क्या है माइनस वन बाय ये डी एक्स हो गया ना। अब देखिए तो ये जो है वन बाय एक्स इनका क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग होता है ना, एक्स हो गया ना जी। अब देखिए बराबर
ये यहाँ पर क्या हो गया, वन बाय एक्स हो गया ना। आई एफ का मान क्या हो गया, वन बाय एक्स। तो यहाँ पर रखिए वाई तो हुआ है, आई एफ का मान क्या है, वन बाय एक्स। दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला, ये देखो फॉर्म ये होता है। तो इसमें देखिए एक्स गुना होता है नहीं होता है, एक्स गुना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्स गुना है ना, एक्स को क्या करना है, कटाना है। एक्स सब में भाग दे दिए, एक्स कट गया, यहाँ पर क्या हो गया, वाई बाय एक्स। यहाँ पर तीन गो एक्स था तो कितना एक्स बचा, दो एक्स बचा ना। उसके बाद देखिए तो पी का मान क्या हो गया, माइनस वन बाय एक्स। देखिए पी यहाँ पर होता है ना, तो इसमें क्या गुना है, माइनस वन बाय एक्स। क्यू का मान क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो वाई क्रॉस क्या हो गया, आई एफ। ये फॉर्मूला होता है जब आपको ये लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे, तो ये आपको क्या होता है, फॉर्मूला समझ गया ना, उसका इक्वेशन होता है। तो वाई गुना क्या होता है, आई एफ। आई मतलब इंटीग्रेटिंग, एफ मतलब क्या होता है, फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, समाकलन गुना, समझ गया ना। अब आई एफ आपको चाहिए, आई एफ आपको जो है y तो मालूम है, y को y में ही रहने देना, y तो मालूम है। चलिए आई एफ नहीं मालूम है, क्यू भी मालूम है ना। तो आई एफ कैसे निकालते हैं, e टू दी पावर पी डी एक्स। e टू दी पावर क्या होता है, पी डी एक्स होता है। तो p का मान क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स। ये डी एक्स हो गया ना, अब ये माइनस हो गया ना जी। अब देखिए वन बाय एक्स का क्या होता है, लोग एक्स, ये बराबर हो गया ना, ये माइनस वन है ना, ये पावर के रूप में माइनस वन हो जाएगा। पावर के रूप में क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है ये गुना हो जाता है, तो माइनस वन गुना हो गया था तब ना माइनस लॉग हुआ था जी। तो अब देखिए एक्स पावर माइनस वन, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग वन बाय एक्स। ये पावर लॉग क्या होगा, वन बाय एक्स। अब देखिए ई पावर लॉग ए का मान क्या होता है, ए क्या होता है, ए। आई एफ बराबर क्या हो गया, वन बाय एक्स। अब देखिए वाई, ये वाई यहाँ पर हो गया, ये गुना यहाँ पर हो गया। हाँ ये देखिए आई एफ है ना, आई एफ का मान क्या होगा, वन बाय एक्स। ये बराबर हो गया, उसके बाद देखिए ये टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्यू क्यू का मान ये है ना। आई एफ का मान क्या निकला है, वन बाय एक्स आ गया। डी एक्स देखिए यहाँ पर क्या है, दो एक्स। अब इनको जो है कि जैसे इस एक्स को इस एक्स से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन नहीं बचेगा। ये टू एक्स हो गया ना डी एक्स, ये प्लस आपका, ये आपका क्या हो गया, के वाई बाय एक्स हो गया बराबर। अब देखिए एक्स पावर एक है, तो पावर में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, वही से भाग देते हैं ना, कट गया के हो गया। तो अब देखिए ये नीचे में एक्स है ना, इधर किस में हो जाएगा, गुना में, एक्स एक्स स्क्वायर में गुना हो गया, एक्स क्यू। ये क्या हो गया क्वेश्चन जो है, इस प्रकार से है, ए प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स बराबर क्या है, जीरो है। ये है ना, अब जो है इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, समझ गया ना। अब इसको क्या करना है, एक्स को हम इधर ले आते हैं, एक्स को हम इधर ले आते हैं, ये रूट ओवर ए प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस क्या हो गया एक्स। अब देखिए डी वाई बाय डी एक्स हो गया, ये इधर गुना है तो इधर क्या होगा, भागावन होगा, तो माइनस एक्स होगा ही, रूट ओवर ए प्लस एक्स हो गया ना। अब देखिए ये डी वाई है, तो x का फंक्शन इधर है, तो ये डी एक्स को इधर हम ले आते हैं, तो माइनस एक्स रूट ओवर ए प्लस क्या हो गया x, और क्या हो गया डी एक्स हो गया ना। अब देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समझ गया ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोथ साइड। तो ये इंटीग्रल साइन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ऑफ रूट ओवर ये हो गया रूट ओवर ए प्लस एक्स डी एक्स हो गया ना। अब देखिए डी वाई का क्या होता है, डी वाई का
डी छट जाएगा, जीरो आएगा क्या हो जाता है वाई, डी क्या हो गया छट गया, क्या हो गया वाई। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस एक्स ना आ गया जी, ना आ गया तो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा ना, इधर ही हम माइनस को लगा देते हैं, लगा दिए ठीक है, माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर एक्स बचा और रूट ओवर ये प्लस एक्स डी एक्स, अब देखिए तो यहाँ पर ए प्लस एक्स है ना, एक्स तो है ये, कमी किस चीज की है ये की कमी है ना, तो हम क्या करते हैं ए जोड़ देते हैं, ए को हम क्या करेंगे घटा घटा देंगे, नहीं कर सकते हैं तो रूट ओवर ए प्लस एक्स ये डी एक्स हो गया ना। देखो ये एक्स वाई एन है, ये एक्स आई एन है, इसमें ए जोड़ दिए, ये क्या किया घटा ए और ए कट जाएगा तो फोर फॉर्म को पकड़ लेगा ना, नहीं पकड़ लेगा। अब बारी बारी से भाग दीजिए, बारी बारी से इसमें क्या कर देते हैं भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे ये पूरे मान में एक बार, तो देखिए ये ऊपर में एक किलो है, नीचे में क्या है आधा किलो है, क्या बचेगा आधा किलो बचेगा, ऐसे समझे ए प्लस एक्स ये डी एक्स हो गया ना, ये माइनस है, ये क्या है ए बटे रूट ओवर क्या होगा ए प्लस ए प्लस एक्स डी एक्स हो गया ना, नहीं कुछ है तो इसको पावर क्या है रूट का पावर कितना होता है हाफ होता है, ये देखो इस पर पावर क्या होगा ए इंटू अब देखिए पावर क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है, अब पावर से भाग लग जाता है, एक वन बाय टू में एक जोड़ हो गया तो क्या होगा थ्री बाय टू, अब पावर थ्री बाय टू वन, थ्री बाय टू से क्या करोगे भाग दोगे, तो ये अब तो ये डी एक्स वाला खेला खत्म, इंटीग्रल साइन कट गया, ये आपका माइनस हो गया। अब देखिए ये है, ये इधर आ गया, फिर पावर एक जोड़ेंगे ए प्लस एक्स हो गया ना, एक जोड़ेंगे माइनस वन बाय टू में वन जोड़ेंगे तो क्या होगा वन बाय टू, वन बाय टू प्लस क्या हो गया सी, तो देखिए ये क्या हो गया आपको टू बाय थ्री, ये प्लस एक्स और पावर क्या हो गया थ्री बाय टू, ये टू ए हाफ पावर को हम क्या लिखते हैं ए प्लस एक्स, प्लस क्या हो गया सी, ये आंसर हो गया। अब माइनस को चाहो तो उधर लगा सकते हो, माइनस वाई। अब क्या करना है इसको इस साइड ले आओ, डी वाई वाई क्या हो गया डी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया एक्स, ये किस फॉर्म में है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो देखो पी का मान क्या हो गया वन, क्यू का मान क्या हो गया एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई पावर एक्शन होगा ना, देखो ई का पावर क्या होता है पी डी एक्स, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला होता है आई एफ बराबर ई टू दी पावर पी डी एक्स, यहाँ पर पी का मान वन 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 डी एक्स, डी एक्स हुआ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, डी छट गया क्या बचा एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ये आई एफ का मान हो गया। अब देखो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहे तो आपको ये फॉर्मूला होता है y गुना आई एफ इंटेग्रल ऑफ ये क्यू गुना आई एफ डी एक्स प्लस क्या होता है, ये होता है ना
आई एफ का मान क्या है? है ना? अब ई पावर एक्स पुनः देखिए क्यू का मान क्या है आपको? एक्स है तो ये यहाँ पर एक्स, आई एफ का मान क्या है? ई पावर एक्स, ये डी एक्स प्लस क्या हो गया के। अब देखिए तो अब होता है क्या इले, समझ गया ना, एक्स क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ गया ना, एक्सपोनेंशियल हम क्या कहते हैं, चर घातांकी फलन, क्या कहते हैं, इलेट, आई एल ए टी, ई जो आता है बाद में आता है, पहले जो एलजेब्रिक के फंक्शन होता है, समझ गया ना, ये यू वी के फॉर्म है, ये यू हो गया, ये क्या हो गया ए, तो फॉर्मूला बोलो यू वी का क्या होता है, यू इंटेग्रल ऑफ डी डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ यू बाय डी एक्स। अब बोलो ये भी डी एक्स, ये क्या होता है, ये डी एक्स होता है ना, अब उसी फॉर्म में बैठा दो, तो यहाँ पर देखो यू एक्स है ना, एक्स बाहर निकल गया, ई पावर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाय क्या होगा डी एक्स इंटेग्रल ऑफ ई डी एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स हो गया ना, एक्स ई टू दी पावर क्या हो गया क्या माइनस, अब उसके बाद देखिए प्लस के भी करते जाना माइनस वन, अब यहाँ पर देखिए ई पर पावर ई डी एक्स पर डी एक्स वन हो गया ना, ई पावर एक्स का मान क्या होगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स से होगा ये डी एक्स प्लस क्या हो गया के, तो वाई गुना ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स करिए देना है वाई पावर एक्स, एक्स ई पावर एक्स माइनस ये ई एफ पावर एक्स का क्या होता है पावर एक्स से होता है प्लस क्या हो गया ये। अब देखिए ई पावर एक्स से सब में गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या करना है भाग, तो यहाँ से छट गया नहीं छट गया, यहाँ भाग देंगे तो क्या बचा एक्स माइनस, यहाँ भाग देंगे क्या बचेगा एक, ये में भाग देंगे तो के ई पावर क्या होगा माइनस एक्स, ये इंटू तो पांच मार्क वाले में दिया क्वेश्चन, देखो एक्स पावर क्या है एम, ये वाई पावर क्या है एम बराबर एक्स प्लस वाई, ये सवाल तो हम एक दिन बता चुके हैं, हाँ ये लोग ले करते इसमें ये बता चुके हैं ना जी सर, अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स माइनस साइन एक्स ये फंक्शन दिया है, कड़ाई की इसका सिद्ध कीजिए, ये इसका ना तो कोई उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं है, इसको हम क्या मान लेंगे वाई, एक बार डिफ्रेंशिएट किए एक्स का वन साइन का कोस, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए डी वाई डी एक्स को जीरो कर दिए, ये वन हो गया ये माइनस ये कोस एक्स, अब देखिए माइनस कोस एक्स इधर आया प्लस कोस एक्स ये वन हो गया ना, अब देखिए कोस कितने डिग्री का मान वन होता है तो जीरो का होता है, कोस कोस खत्म, एक्स का मान क्या हो गया जीरो, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया डी स्क्वायर, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तब क्या होता है कि एक्स का मान उसमें रख के अगर मान के चलो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान जीरो से कम होगा, जीरो से कम होगा तो मान जो है उच्चिष्ट होगा, वाई का मान तब क्या होगा उस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा, हाँ मतलब जीरो से कम तो अधिक, उल्टा सापेक्ष है, अगर अधिक भए गेल जीरो से तो कम, बराबर भए गेल तो नहीं तो उच्चिष्ट हेतै नहीं निम्निष्ट हेतै, कर दिए एक बार डिफ्रेंशिएट वन का जीरो कोस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन हो गया ना, अब देखिए तो इसमें एक्स का मान जीरो है ना, एक्स की जगह अब क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो जोड़ेंगे तो साइन एक्स से होगा, यहाँ पर साइन जीरो का मान क्या हो गया जीरो, जीरो हो गया ना, तो न इसका उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा न ही निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, तो यही प्रूव करना था जो प्रूव हो चुका है, ये टेन पावर फोर एक्स ये डी एक्स है इनका सोल्यूशन, अब सोल्यूशन इनका देखो तो टेन पावर फोर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स होगा ना, अब ये इधर रहेगा ही
टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये डी एक्स हो गया ना, तो ये टेन स्क्वायर एक्स एक स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स वन में गुना होगा, ये क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर से गुना हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया। अब देखिए लेट कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, टेन स्क्वायर एक्स एक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये डी एक्स। तो हमने एकदम इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, अच्छा सेक को मानेगा कि टेन को, टेन को, टेन को, टेन को समझ जाओगे, सेक को नहीं मान सकते, सेक को मानेगा तो टेन आएगा, नहीं आएगा, टेन नहीं आएगा। बी जेड बाय डी एक्स, ये आपको क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, डी जेड बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि डी जेड का मान क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं डी जेड। अब टेन है ना, टेन को क्या माने हैं जेड माने हैं ना, तो जेड स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ डी जेड। अब उसके बाद देखो ये क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस दे ही दो। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस को ना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना। अब देखो ये डी एक्स वन में गुना होता है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स हो गया ना। अब देखो ये इंटीग्रेशन में पावर में हम ये क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, तो दो है तो क्या हो गया तीन, तीन से क्या करोगे भागा दोगे ना। उसके बाद ये एक्स प्लस क्या हो गया, क्या हो गया ना जेड का मान क्या हो गया, जेड का मान टेन एक्स, जेड क्यूब हो गया ना। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया ना, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो ही टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गया ना, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों बराबर करके दे दीजिए, तो दोनों का मान से में आता है, समझ गया ना, बराबर करके दे दीजिए, बता दीजिए दोनों एक साथ। अब देखो फाइव बाय टू क्या ले लो साइन एक्स डी एक्स, इनका जो मान होता है वो होता है माइनस पाई बाय टू और लॉग टू। हालांकि हम पहले भी इसको हम प्रूव्ड कर चुके हैं जब हम सवाल बना रहे थे, देखो चाहे आपको ये दे या ये दे तो मार्क एकदम फिक्स हो जाना चाहिए, समझ गया ना, कुछ भी रहेगा प्रोसेस सेम होता है, समझ गया ना। अगर मान के चलो कि कोस है तो साइन में बदलना होता है, साइन है तो कोस में, कोस में बदलना होता है। तो प्रूफ करते हैं, ये पार्ट हम ले लेते हैं या ये पार्ट ले लेते, बोलो यही ले लेते हैं जी, ये पाई बाय टू जीरो लॉग कोस, देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ अपर लिमिट ए लोअर लिमिट जीरो एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है
ए जीरो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। सुनो क्या ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखो लॉग तो होगा है, इसको हम आई मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं आई लेट, ऐसे लेट कर लेगा आई, ये आपको लॉग होगा। देखो तो ए माइनस क्या होता है एक्स, ए माइनस क्या होता है यानी ये जो यहाँ पर जो चीज होता है और यहाँ पर जो एक्स होता है उसमें से हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है पाई बाई टू, ये कोस है ना जी, ऐसे कोस ले लिया। एक्स की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पर, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू में से क्या घटेगा देखो ए माइनस एक्स होता है ना, एक्स स्थान पर क्या है पाई बाई टू, यानी ए माइनस एक्स पे होगा जी, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स हो गया ना। अब देखो ये पाई बाय टू जीरो, ये आपको हो गया लॉग। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स डी एक्स हो गया ना। इसको भी आई, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, समीकरण एक एवं दो को जोड़ दो, समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर वन प्लस क्या हो गया टू, तो आई प्लस क्या हो जाएगा आई इंटीग्रल ऑफ ये पाई बाय टू जीरो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग क्या हो गया कोस एक्स, ये हो गया ना, ये डी एक्स हो गया। अगर मान के चलो कि और आप विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हो, देखो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि विस्तार पूर्वक लिख दें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सोच में समझ लो ये रे भूख लाग लो तो एकदम धरफराए रहल छी, कहै छी नहि कहै छी ये अपने घर पर है के इतना चाहत हम समझा ले ये बगल वाला ये करना में जाने से ये हो गया ना, ये टू आई हो गया ना। ये देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है डी एक्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा तो फाइव बाय टू जीरो लॉग साइन एक्स लॉग कोस एक्स डी एक्स हो गया ना, ये फाइव बाय टू जीरो हो गया ना। अब देखो लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम एन क्या होता है लॉग एम एन, तो लॉग क्या होगा साइन एक्स, ये क्या हो गया कोस एक्स डी एक्स हो गया ना। अब आपको इसमें क्या करना है, दो से गुना कर दीजिए, दो से क्या करो दो साइन एक्स, ये क्या हो गया कोस एक्स, दो से गुना के दो से भागन देना होगा, ये पाई बाय टू जीरो हो गया ना लॉग। अब देखो टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, टू साइन एक्स साइन टू एक्स क्या होता है साइन टू एक्स बाय टू। अब देखो लॉग एम बटे एन के फॉर्म में आ गया जी, उतारो इतना, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है और इस साल के लिए तो एकदम काफी महत्वपूर्ण है ना, ये बहुत दिन से एकदम पूछ भी नहीं रहा है इसलिए काफी ज्यादा चांसेज है, समझ गया ना। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और आप क्लास ट्वेल्थ का क्रेश कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देखो अपर लिमिट क्या हो गया पाई बाय टू, लोअर लिमिट ये जीरो हो गया लॉग कोस एक्स डी एक्स, ये हो गया ना जी। अब देखिए इतना बराबर हो गया ना, अब पाई बाय टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स, देखो ई और ई फंक्शन में आपको लॉग कोस एक्स है कि लॉग साइन एक्स है, समझ गया ना। इसका जो होता है ये इंटीग्रेशन, ये माइनस पाई बाय टू लॉग टू ही आता है, समझ गया ना। आपको ये दे के पूछ दे, ये दे के पूछ दे, घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस।
सेम ही प्रोसेस दोनों का प्रोसेस सेम। अगर मान के चलो कि हम इसको आई बराबर इसको मान लेते हैं, मान लिए ना, तो हम क्या करते हैं फाइव बाई टू माइनस एक्स करते हैं ना, तो कोस साइन में बदल जाता है। अगर साइन लेंगे तो साइन फाइव बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। तो सिंपल बात है यहाँ पर, इसको हम आई बराबर मान लिए, मान लिए। अब देखो ये आपको पाई बाय टू, ये जीरो है, जीरो है ये है, ये लॉग है, ये लॉग है, ये है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है ये, यहाँ पर आपको ए रे जीरो रे एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है ए जीरो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है ना। तो ए का मान क्या हो गया पाई बाय टू। तो देखो परिवर्तन कहाँ होता है, एक्स के स्थान पर ना होता है जी। परिवर्तन कहाँ होता है, एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो परिवर्तन यहाँ होगा जी। तो पाई बाय टू में से क्या घट जाएगा, नहीं घटता इस मान में से, यह मान नहीं घट जाता है जी सर। उसी प्रकार से इस मान में से मान नहीं घट जाएगा, तो पाई बाय टू माइनस क्या हो गया एक्स डी एक्स हो गया ना। ये देखो पाई बाय टू हुआ ही, ये जीरो हुआ ही, ये लोग है ये है। अब देखो तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के स्थान पर एक्स, तो साइन एक्स ये डी एक्स हो गए। इनको समीकरण दो मान लिए हैं, इनको समीकरण एक मान लिए हैं, आई जोड़ आई दो आई हो गया ना। अब देखो तो यह मान और यह मान आपस में क्या होगा, जुटेगा ना, तो लॉग कोस एक्स प्लस क्या होगा लॉग साइन। तो इधर तक का तो प्रोसेस समझा ही चुके हैं, इस प्रकार से होगा तो लोग एम प्लस लोग एन का फॉर्मूला होता है लोग एम एन, ये हो गया टू से इसमें गुना किए, टू से क्या करेंगे भाग दे दिए, भाग गुना करेंगे तो भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स बाय टू हो गया ना। टू आई बराबर क्या होता है पाई बाय टू जीरो लोग साइन साइन टू एक्स बाय टू, ये डी एक्स को आता ना लोग एम बाय एन हो गया ना, तो ये क्या होगा पाई बाय टू जीरो हो गया ना लॉग एम। अब बटे एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम मतलब क्या हो गया साइन टू एक्स, और लॉग एन माइनस क्या होता है लॉग एन, यानी लॉग टू हो गया ना, ये आपको डी एक्स हो गया ना जी। अब dx इनको इंटीग्रल साइन को बारी बारी से गुना कर दो, पाई बाय टू जीरो लॉग साइन टू एक्स ये dx माइनस ये आपको क्या होगा लॉग टू ये dx पाई बाय टू, ये क्या हो गया जीरो। अब देखिए इसको हम आई वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये टू आई का मान है ना, दो समीकरण तक मान चुके हैं, इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसको हम आई वन मान लेते हैं, लेट आई वन बराबर पाई बाय टू जीरो हो गया ना लॉग साइन, इसको रट ही जाना, समझ गया ना। अब देखो इसके एंगल को सही कर लेना, एंगल को क्या करो सही, तो जेड बराबर हम मान लेते हैं टू एक्स, समझ गया ना, जेड बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दो अगेन लेट पुनः माना, या डी जेड बाय क्या करोगे डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा टू होगा ना, या डी एक्स बराबर क्या होगा डी जेड बाय टू होगा ना। अब देखो ये आई वन है ना, आई वन एक चीज और कर दो धार लेते हैं, देखो जेड बराबर हम क्या माने हैं टू एक्स माने हैं ना, अब एक्स का मान यहाँ पर क्या है पाई बाय टू, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, एंगल को चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करो, समझ गया ना, ये टू एक्स एंगल है ना, एंगल को हम चेंज कर रहे हैं, इसके स्थान पर कोई मान पुट कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, समझ गया। अब देखिए तो एक्स एक्स का मान क्या है पाई बाय टू, देखो x बराबर जब पाई बाय टू आपको मान हो तो z का मान क्या होगा टू गुना पाई बाय टू, दू दू कट गया पाई होगा। अब देखो जब x का मान क्या हो जीरो हो तो z का मान क्या होगा टू गुना जीरो, मतलब जीरो एन होगा।
अब लिमिट भी आपके पास आ चुका है ना, तो देखो ये पाई बाय टू के स्थान पर अब क्या बैठेगा, पाई बैठेगा, समझ गया ना, जीरो। अब देखो जीरो के स्थान पर क्या बैठेगा, जीरो ही बैठेगा। अब देखो ये आपको होगा लॉग साइन जेड हो गया ना, लॉग साइन जेड। और डीएक्स का मान क्या निकाल चुके हो, डी जेड बाय टू, डीएक्स का मान क्या हो गया, ये यहाँ पर डी जेड बाय क्या हो गया टू। अब देखो ये आई वन हो गया, वन बाय टू को बाहर ले लो, ये बाहर ले लिए, ये पाए जीरो लॉग साइन जेड, ये डी जेड हो गया ना जी। अब देखो ये यहाँ पर ये टू है ना, ये टू, तो फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर टू ये हो गया ना और जीरो ये एफ है डी एक्स, तो इनको हम लिख सकते हैं टू इंटू ए जीरो एफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो देखो इसमें जो मान के चलो ये गुना है, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया ना, तो अगर मान के चलो कि जब ये फॉर्म दिया रहे तो हम क्या ये फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये फॉर्म दिया रहता है तो ये फॉर्म लिखते हैं, ये फॉर्म दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर जो रहता है तो ये में क्या होता है, गुना हो जाता है, ये में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन पर पाई में क्या होगा, एक बटे टू गुना थी, वन बाय टू गुना नहीं हो जाएगा, नहीं उतना एकदम समझ रहा है, सिंपल नियम से एकदम ध्यान रखो, ये टू है दो से भाग लेते हैं, समझ गया। ऐसे ये क्या हो गया आपको, पाई बाय टू जीरो में भाग देगा क्या होगा, जीरो ही ना होगा, तो लॉग क्या होगा साइन जेड, और ये आपका हो क्या हो गया डी जेड, आई वन बराबर हो गया ना। उसके बाद देखो तो आई वन बराबर ये आपका क्या हो गया पाई बाय टू, जीरो हो गया ना। देखो यहाँ पर जेड है तो क्या है, जेड है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्स यहाँ पर भी क्या कर सकता है, संगत एक्स यहाँ पर लिख सकता है, समझ गया ना, जेड है तो जेड है, एक्स अगर रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या रख दो, एक्स रख सकते हैं। तो ये आपको हो गया लॉग साइन एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स। अब समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से इसका मान क्या माने हैं, आई आई, तो आई वन बराबर तुमको क्या प्राप्त हो गया, आई वन ना। अब देखो ये जो समीकरण तीन है, समीकरण तीन में आई वन, समीकरण तीन में आई वन का मान रखने पर, तो समीकरण तीन में आई वन का मान रखने पर, अब देखिए तो आई वन, तो यहाँ पर आपको समीकरण तीन क्या है, टू आई आई माइनस क्या है पाई बाय, अच्छा हाँ इसका मान तो अभी नहीं निकाले, तो मान निकाल लेते हैं। देखिए ये आपको लॉग टू हो गया, ये पाई बाय टू जीरो, ये आपको डी एक्स हो गया। अब देखो ये आई है ना जी, प्लस में ना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो दो आई में से वो आई घटेगा, माइनस लॉग ये टू हो गया ना। और डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डी छट गया, पाई बाय टू ये जीरो हो गया ना, माइनस लॉग टू, पांच मार्क कैसे लेगा तब, देखो पाई बाय टू में से जीरो हो गया, पाई बाय टू इन बचेगा, पाई बाय टू, और ये आपको क्या हो गया लॉग टू हो गया प्रूव। सही समीकरण तीन में जोड़े, समीकरण तीन में आई वन का मान रखते हैं जी, देखिए इसका मान क्या निकल के आया, आई आई जी नहीं निकल के आया जी, इसके स्थान पर क्या रखेंगे आई, देखो आई रख दलिए प्लस में छे माइनस में नहीं, दो में से एक गुण बचता है, ये माइनस आपका हो गया, ये लॉग टू हो गया,
अब देखो डी एक्स का एक्स होता है अपर लिमिट पाई बाय टू, ये जीरो हो गया ना। कहाँ पर देखो समीकरण तीन मान उतार रहे वहीं। हाँ देखो ये समीकरण तीन सीएन हो कैसी है देखो अकर मान आप तरह की निकल के ला आई वन मान ने रियन हो अकड़ा की मान ने रियन आई वन आई वन के मान की निकल के ले देखो यहाँ देखो आई आई एल है ना चीज जैसे पर आई आई वन ने भले एक ही भाग ले आई वन के मान की निकल के ले आई वन के जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो की निकल के ले आई आई एल रहे ना तो एक ही भाग ले आई वन आई वन के मान की ले या आई आई वन का मान क्या आया आई इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे आई अब कहाँ दिक्कत है।